नेशनल खबर सब पर नजर। क्या आप सोरियासिस से परेशान हैं? क्या आपको इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा? क्या आप चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपका जीवन बदलने जा रहा है। इसका एक एक शब्द अंत तक ध्यान से सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं पिछले 18 सालों से सोरायसिस के मरीजों का बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज कर रहा हूँ। आज मैं पिछले 13 सालों से पूरी तरह से ठीक एक मरीज जिसका नाम है गणेश रेड्डी, ये आईटी प्रोफेशनल हैं और बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। इतने सालों में इन्हें कभी भी दोबारा सोरायसिस नहीं हुआ। इन्होंने सही इलाज अपनाया और ठीक होने के बाद ये अपने फूड और लाइफस्टाइल में बहुत ही हेल्दी चेंजेस लाए। इसका एक रिजल्ट ये हुआ कि ये ना सिर्फ सोरायसिस फ्री हैं, बल्कि तब से इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं हुई है। गणेश बताते हैं कि बीमारी ठीक होने के बाद से इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और ये सबसे अधिक इस बात से खुश हैं कि बीमारी ठीक होने के बाद से लोगों का एटीट्यूड इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में 1981 से 1993 के बीच 7385 सोरायसिस मरीजों पर एक स्टडी हुई, जिसमें ये बात निकल कर सामने आई कि सोरायसिस पूरी तरीके से फूड और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। रिसर्च में ये भी सामने आया कि ऐसे सभी रोगी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं जिनमें जेनेटिक कॉम्पोनेंट भी है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम बीमारी का इलाज न कर सिर्फ इसके सिम्टम्स का इलाज करता है। जर्मन डॉक्टर गर्सन ने ऐसे रोगों पर गहन अध्ययन किया और उन्होंने सफलतापूर्वक ऐसे लाखों रोगियों का इलाज कर उनको नया जीवन दिया। डॉक्टर गर्सन के अनुसार सोरियासिस होने के पीछे मुख्य रूप से हमारे कुछ फूड एलर्जेंस हैं, साथ में हमारी फॉल्टी फूड हैबिट्स, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन जिम्मेदार है, जिसके कारण शरीर के सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में कंजेशन होता है, जिसमें विशेष रूप से लीवर कंजेशन सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर में एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाता है, साथ में शरीर में पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी भी होती है। ये सभी कारण मिलकर शरीर की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब है कि हमारे शरीर में केमिकल लोचा हो जाता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम करना बंद कर देता है। सोरायसिस इसी डिस्टर्ब इम्यून सिस्टम के कारण होने वाली बीमारी है। अगर हमें अपनी बीमारी ठीक करनी है तो ऐसी चिकित्सा अपनानी होगी जो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को ठीक करे। जैसे ही मेटाबॉलिक करेक्शन होता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक से काम करना शुरू कर देता है, जिससे सोरायसिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जर्मन डॉक्टर गर्सन ने इस गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए अपने इलाज के द्वारा डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को ठीक किया। इसके लिए उन्होंने सेल से टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए मरीजों का डिटॉक्सिफिकेशन करवाया, सभी वाइटल ऑर्गन्स का डिकंजेशन करवाया। इसमें विशेष रूप से लिवर डिकंजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एल्कली फॉर्मिंग फूड के द्वारा एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस ठीक किया। साथ में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान दिया वो था मरीजों को सही और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जिसका परिणाम हुआ कि शरीर की सेल्स का इन्फ्लेमेशन कम होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सुधर गया और मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए। हम लोग पिछले 18 सालों से इसी प्रोग्राम के द्वारा सोरायसिस के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। इस इलाज से 80% से भी अधिक मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्हें बीमारी फिर से ना हो, इसके लिए उन्हें सही खानपान और सही जीवन शैली अपनाने की भी सलाह दी जाती है। इस चिकित्सा से मरीज न सिर्फ सोरायसिस मुक्त रहते हैं, बल्कि उन्हें किसी और बीमारी के होने की संभावना भी खत्म हो जाती है।
क्योंकि होलिस्टिक प्रोग्राम इन टोटेलिटी काम करता है। चिकित्सा लेना बहुत आसान है, सभी मरीज बहुत ही आसानी से इसे अपने घर पर बैठ कर ही चिकित्सा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी सोरियासिस है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप घर बैठे भी हमारे डॉक्टरों से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।